देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इस मुश्किल हालात में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनमें से एक राजनेता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कोरोना महामारी के बीच सियासत करने की कोशिश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारी पड़ गई है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस वो बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के भी निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल से कोरोना को लेकर बातचीत की थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस बातचीत को अलग ही दिशा प्रदान कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बातचीत का मजाक उड़ाया और कहा कि मन की बात करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी काम की बात करते तो अच्छा होता। हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के बाद अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनको निशाने पर ले लिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई अन्य नेताओं ने भी हेमंत सोरेन के विचार और ट्वीट की आलोचना करते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई। सभी ने एक सुर में कहा कि वो भी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं और उनका अनुभव है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत गंभीरता से राज्यों की समस्याओं को सुनते हैं। ये वक्त एकजुट होकर देश को कोरोना से मुक्त कराने का है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने इस मामले पर कहा कि हमारे आपसी मतभेद जो भी हो, लेकिन इस महामारी के दौरान इस स्तर पर राजनीति करना देश और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसना देश में एक नए राजनीतिक मामले को जन्म दे गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह ममता बनर्जी इस समय मोदी विरोध का मुखर चेहरा बनकर सामने आई है, उसमें हेमंत सोरेन ऐसे बयानों से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हेमंत के इस ट्वीट को विपक्षी राजनीति और विपक्ष का मुखर चेहरा के रूप में दिखने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देश अभी कोरोना संकट जैसी बड़ी आपदा के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बावजूद इसके राजनेताओं की आपसी लड़ाई लोगों के मनोबल को कम कर सकती है। ऐसे में ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने का है और कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने का है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।